So how are you all doing? Okay, Zaria has given me two thumbs up. What about others? What about Yash, Navya, Harshit? Okay, Devish has given a thumbs up. Harshit has given a thumbs up. Yash has given a thumbs up. Apani has given a thumbs up. Okay, that's amazing. But you know what? The weather is changing. So better take care of yourself because it's going to be more chilly day by day. So pack yourself up nicely and take care of yourself. Okay? So today's session, we begin with a bit of thinking today. Okay? But there is one thing that's common in all of us. That's dreams. Hum sab sapne dekhte hain na? हम सब सोचते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे बड़े होके, हम कैसे पर्सन बनना चाहते हैं, या फिर हमें क्या करना है, क्या प्रोफेशनली बनना है, राइट? हम सबके ड्रीम्स हैं, यस और नो? और ये अगर ड्रीम्स नहीं होंगे ना, तो आपको क्या लगता है हमारा लाइफ कैसा होगा? हाउ विल बी आवर लाइफ विदाउट ड्रीम्स? एनीवन वुड लाइक टू गेस? अगर हम ड्रीम्स ही नहीं रखेंगे तो हमारा लाइफ कैसा होगा, हम कैसे होंगे? Please raise your hand to answer. Okay, Yash. मैम अगर हम think नहीं करेंगे कि हमको बड़े होके क्या बनना है, what we want to become, तो फिर मैम हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, फिर हमारी जॉब नहीं लगेगी. Okay, so कहने से कि हमारे लाइफ का हमें एम क्लियर नहीं होगा कि हमें क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा. इज दिस व्हाट यू वांट टू से? ओके यश, राइट. उज़ैरा, उज़ैरा प्लीज अनम्यूट. मैम आई थिंक मैम जब हम ड्रीम्स नहीं देख पाएंगे सो मैम हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे मैम हम. एंड मैम उससे जैसे मैम हमारे ड्रीम ये है कि हमें कुछ बनना है बड़े होकर, जैसे कि मैम मुझे बनना है आईएएस, सो मैम हम मैं उसके बारे में ड्रीम्स में ही सोचती हूँ कि मैं ऐसा करूंगी बड़े होकर, ऐसे बनूंगी. तो मैम हम जब ड्रीम्स ही नहीं देख पाएंगे तो मैम हम करेंगे क्या अपनी लाइफ में? डेफिनेटली. तो कहीं ना कहीं हम सब एक बात को अग्री करेंगे कि जो हमारे ड्रीम्स है ना, ये हमें थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं, राइट? हमें एक्शन लेने में हेल्प करते हैं, हमें चैनलाइज करते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें. और अगर ये ड्रीम्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में हमें एम ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं हम क्या करना चाहते हैं, तो हम कोई एक्शन ही नहीं लेंगे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे चीजें, या फिर हम इनएक्टिव हो जाएंगे और हमारे लाइफ का एक्साइटमेंट भी फिनिश हो जाएगा. अब लेट्स से अगर मेरा ड्रीम है मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, मैं ऐसा ड्रीम ही नहीं देखूँ तो मेरे लाइफ में वो एक्साइटमेंट भी बचेगा? No, it's going to be very boring, you know. So definitely our dreams keep us excited and they keep us motivated also, right? So ab 2 minute laga ke socho aapke kya dream hai, aap kya karna chahte ho? Share, what would you like to do when you grow up? Ya kaisa person banna chahoge? The way like Uzaira shared that I want to become an IAS officer as I grow up. और क्या करना चाहोगे? इट्स नॉट ओनली अबाउट योर करियर, कुछ भी हो सकता है. आप कैसे अपने आप कैसा पर्सन देखना चाहते हो वो भी आपका ड्रीम हो सकता है. आप कहीं घूमने जाना चाहते हो वो आपका ड्रीम हो सकता है. आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई अलग चीज करना चाहते हो, वो आपका ड्रीम हो सकता है. या लेट्स से कि मैं कोई एयरक्राफ्ट बनाना चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है. सोचो क्या ड्रीम्स है आपके. कम ऑन, टेक सम टाइम एंड थिंक. Yes, Uzaira. मैम हम हमारे करियर के अलावा मैम हम बनना चाहते मैम हम पूरे वर्ल्ड में मैम एक टूर करना चाहते हैं मैम. मैम हम एक टूरिस्ट बनना चाहते हैं जिससे कि हम बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फोटोग्राफी करें. सो मैम एंड मैम हम चाहते हैं कि मैम हम सबसे अच्छे आर्टिस्ट बन जाए मैम, मेरी ड्रॉइंग अच्छी हो जाए जिसमें मैम, मेरा एक ये ड्रीम है मैम. ये सारे ड्रीम है. एंड मैम मेरा एक और ड्रीम है कि मैम हम हमारे हमारे फेवरेट यूट्यूबर गेमर से मिलना चाहते हैं. ओके, राइट. यस
ओके, हुजैरा हैज शेयर्ड सो मेनी ड्रीम्स ऑफ हर्स, राइट, कि उसने आईएएस ऑफिसर भी बनना है, उसको क्राफ्ट भी करना है, उसको फोटोग्राफी भी करना है, उसको टूरिस्ट भी बनना है. नाउ व्हाट मनस्वी वांट्स? मैम माय ड्रीम इज, मैम मुझे बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनना है एंड मुझे आईपीएस ऑफिसर बन के फ्रांस में जाना है और आईफिल टावर को देखना है. Okay, so you want to see Eiffel Tower, but after becoming an officer. Okay. Abani? Yes, Abani? Ready? Okay, you want to become a doctor. Okay. Yes. Anvesha? Yes, ma'am. Yes, Anvesha, please unmute yourself. Ma'am, मैं सबकी wish पूरी करना चाहती हूँ. मैं angel बनना चाहती हूँ. Oh, you want to become an angel? Okay, that's nice. That's nice. Prisha? Ma'am, I want to become a pilot, ma'am. Okay, you want to become a pilot. So true. Great. So I unmute again, Krisha. Because ma'am, it's my and my parents' dream, ma'am. Okay, so it's yours and your parents' dream. Okay. So did you see one thing? वैसे तो first thing is कि मुझे सब girls के answer आए हैं. Boys में से तो कोई बोला ही नहीं. कोई dream ही नहीं देखते सब. हाँ. Okay. Harshit has come up. Yes, Harshit. Ma'am, I want to be an IPS officer. Okay, you want to be an IPS officer. All right. So people, देखो हम सब ड्रीम देखते हैं. It's good and I would really like to thank all the people who came up here and shared their dream. अब ये सोचो कि आप अपना ड्रीम पूरा कैसे करोगे, क्या करोगे? अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर मैं सिर्फ सोचती रहूं कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या मुझे आईफिल टावर देखने जाना है या मुझे वर्ल्ड टूर करना है या मेरे को डॉक्टर बनना है, क्या सोचने से हो जाएगा? ड्रीम में तो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं ना, क्या हो जाएगा? Give me thumbs up for yes, give me thumbs down for no. Okay, yes says no. Abani says no. Huzaira says no. Harshit says no. Tamanna gives the thumbs down. All right. तो नहीं होगा. तो क्या करना पड़ेगा अगर मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है? What am I supposed to do then? सिर्फ सोचने से तो नहीं हो रहा. Yes? मैम उसके लिए हमको रीडिंग करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए हमको अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा. ओके, तो कैन आई से कि मुझे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा कोई, राइट? राइट. और डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग, यश ने एक चीज और बताई. जब उसने कहा एक्शन तो उसने प्रिसाइसली बताया कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान देना है. एंड वन मोर थिंग, व्हाट डिड यू से? यू सेड थ्री थिंग्स, व्हाट्स द थर्ड थिंग यश दैट यू हैव सेड? पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा और मे बी एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेनी पड़ेगी. लेट्स से ट्यूशन के अलावा दूसरी ट्यूशन भी लेनी पड़ेगी, राइट? तो उसने, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो उसने आपको ये तो बताया यश ने कि हम एक्शन लेंगे, पर उसने उस ड्रीम को क्या किया? वो बड़ा ड्रीम ही रह गया या कुछ और हो गया? जब मैंने कहा मुझे पढ़ना भी है, मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है क्योंकि मुझे फिटनेस फिट होंगी मैं तभी तो ऑफिसर बन के भाग सकती हूँ ना, राइट? तो सोचो उसने और क्या किया उस बड़े से ड्रीम को? उसने बड़ा ही रहने दिया या कुछ और किया? क्या किया? मोहम्मद राय, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर. ओके, यस, लॉक्ड आउट. लकी, प्लीज अनम्यूट.
यस मैम। तो क्या किया यश ने, वो बड़े से ड्रीम को क्या किया जब उसने कहा मुझे पढ़ना है इसके लिए मुझे अपना फिटनेस पे ध्यान देना है, तो उसने क्या किया इस ड्रीम को? मैं उसने बताया कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, फ्री रखनी चाहिए और हमें फिट रहना चाहिए और हेल्थी। डेफिनेटली उसने ये कहा। तो वो अब जो वो बड़ा वाला ड्रीम था ना मेरा ऑफिसर बनने का, अब वो अभी भी बड़ा ही है या कुछ और कर दिया मैंने उसको? ओके यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, फाइन इट्स ओके। ऑलराइट, चलो हमें इतना तो समझ आया कि हम सबको एक्शन लेना पड़ेगा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, राइट? तो जब हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं ना, तो यानी अब हमारा जो ड्रीम है वो हमारे लिए सिर्फ ड्रीम नहीं रह गया, वो हमारे लिए हमारा गोल बन गया कि मुझे इसे अचीव करने की कोशिश करनी है। तो हम इसे बोलते हैं गोल सेटिंग। जब हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं, स्टेप्स देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम उस ड्रीम को पा सकें या उसे फुलफिल कर सकें, तो वो ड्रीम हमारा गोल बन जाता है। गोल यानी एम, आप टारगेट कर रहे हो किसी चीज को, आप एम कर रहे हो कि मुझे ये पूरा करना है। ओके, तो ये होता है गोल सेटिंग। हमें गोल और ड्रीम का मतलब समझ आया? ड्रीम सिर्फ हमारे माइंड में होता है, हम सोचते हैं, बट जब हम उसे पूरा करते हैं, उसे पूरा करने का तरीका ढूंढते हैं, वो बन जाता है गोल। ओके, क्लियर अबाउट दिस? अब अगर मेरा गोल है आईपीएस ऑफिसर बनना, वो एक बहुत बड़ा गोल है। जैसे कि मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, मैं कहती हूँ ये पूरा एप्पल खा लो, ऐसे क्या पूरा एप्पल माउथ में खा पाओगे? यस और नो? कम ऑन, गिव मी एन आंसर। नो। सो हाउ विल यू ईट, कैसे खाओगे फिर वो एप्पल, कैसे फिनिश करोगे? हाउ विल यू फिनिश? जानवी प्लीज अनम्यूट। ओके, शी हैज अ नेटवर्क इशू। तमन्ना प्लीज अनम्यूट, तमन्ना प्लीज अनम्यूट। यस मैम। या सो तमन्ना, कैसे खाओगे एप्पल, वो बड़ा एप्पल कैसे फिनिश करोगे? एक ही बार में सारा खा जाओगे, माउथ में डाल लोगे सारा एक ही बार में पूरा राउंड? नहीं, क्या करोगे फिर, कैसे फिनिश? हम स्पून से बाइट बाइट खाएंगे। ओके, तो आप उसको बाइट करके यानी उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस करके खाओगे? यस मैम। राइट, तो यही हमारा गोल सेटिंग का तरीका होता है। अब अगर मैं अपने ब्रेन को बोलूं मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना, उसको कितना दूर दिख रहा है ना? आप 20 years 25 years के बीच में जाके बनोगे, और अभी आप कितने ईयर्स के होंगे? 10-12 years, राइट? सो इतनी दूर का वो कैसे सोचेगा, वो डर जाता है। तो गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं, हम वो बिग एप्पल को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर मैं आपके आगे एक प्लेट रखूं जिसमें मैंने एप्पल के पीसेस कट कर रखे हैं, और मैं आपको कहूँ इसे फिनिश कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा फिनिश करना? आप वन बाइट एट अ टाइम खाओगे, राइट? इट विल बी इजी फॉर यू टू फिनिश। घबराओगे तो नहीं ना उसको देख के, पर वो पूरा बड़ा एप्पल एक ही बार में खाने में हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, घबराएंगे? नहीं घबराएंगे, कैसे खा लें एक बार, है ना? तो गोल सेटिंग में भी हम यही करते हैं, हम बड़े स्टेप को छोटे में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मेरा ऑफिसर बनना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे हर क्लास में नॉलेज लेनी है ना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फिजिकल फिटनेस की तरफ भी अगर ध्यान देना है तो मे बी मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में ज्वाइन करनी है या रनिंग करनी है, राइट? उसके अलावा आपको पढ़ाई कैसी करनी है, तो आईएएस ऑफिसर लेट्स से मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में बनना है, राइट? तो उसके लिए लेट्स से मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या मुझे साइंस लेनी है, क्या मुझे ह्यूमैनिटीज से ज्यादा बेटर मिलेगा, या मुझे कॉमर्स की साइड से जाना है? बिकॉज ऑल थ्री कैन गो, यू हैव टू चूज एज पर योर सब्जेक्ट, एज मच इन्फॉर्मेशन आई हैव कि आपका जो बैकग्राउंड है आप उस अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ते हो। तो आप क्या बैकग्राउंड में जाना चाहोगे, वॉट इज योर टिल्ट, आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है, राइट? तो अगर मेरे ड्रीम्स बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले
जब आप गोल सेटिंग की तरफ आते हो, जब आप उसको एक्शन में देखते हो, तो आप ये देखते हो कि क्या वो एक्चुअली अचीव हो भी सकता है या नहीं. अब जैसे अन्वेषा हैज सेड आई वांट टू बिकम एन एंजल एंड फुलफिल एवरीवनस विश, बट क्या वो सारी विश सबकी पूरी कर सकती है? नहीं कर सकती. वो वही विश पूरी कर सकती है जो पॉसिबल है ना पूरा करना, राइट? अगर मेरी विश है कि कैंडल जो बर्न हो गई है ना, मैं दोबारा से उसको नया बिग कैंडल बना दूं, क्या वो पॉसिबल है? वो तो ऑलरेडी मेल्ट होके फिनिश हो गई है, नहीं है पॉसिबल, राइट? तो ऐसे ही हमारे ड्रीम्स होते हैं. सबसे पहले कुछ ड्रीम्स तो हम सिर्फ सोचते हैं जो पूरे नहीं होते, कुछ ड्रीम्स होते हैं जो पूरे होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं. और एक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. ओके, तो अगर मेरा ड्रीम लेट्स से डांसर बनना है, मुझे डांसर बनना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक डांसिंग अकेडमी ज्वाइन करनी होगी और उसमें लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, उनके जो लेवल्स होंगे वो एक एक करके करने होंगे ना. ऐसे तो नहीं बोलते ना कि वो कि लास्ट लेवल पर सीधा आ जाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना. वन लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल होगा. सिमिलरली अगर मैं कहूँ मुझे ऑनेस्ट पर्सन बनना है, तो मैं धीरे धीरे शुरू करूंगी ना. तो मैं पहले अपने आप से सच बोलना शुरू करूंगी, फिर मैं मम्मा के साथ स्टार्ट करूंगी, पापा के साथ करूंगी, स्लोली इट विल गो आउट टू अदर फैमिली मेंबर्स, टू माय फ्रेंड्स, टू माय स्कूल, राइट? सो देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ मी. एकदम से तो मैं एक ही दिन में ऑनेस्ट नहीं बन जाऊंगी ना, है ना. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम प्रोसेस. तो गोल सेटिंग यही होता है. हम जो बिग ड्रीम देखते हैं, सबसे पहले गोल सेटिंग में हम ये देखते हैं क्या वो ड्रीम हम पूरा कर भी सकते हैं, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है. ओके, नाउ आई कांट बिकम एन एंजल ऑफ कोर्स, बट यस आई कैन ऑलवेज बिकम अ पर्सन हु कैन हेल्प अदर्स. बाय हेल्पिंग अदर्स कैन आई ब्रिंग स्माइल ऑन अदर्स फेस? यस, बट हेल्पिंग की भी मेरी एक लिमिट है ना, राइट? अब लेट्स से क्लास टेंथ का बच्चा मुझसे हेल्प मांगता है, मुझे मैथ्स पढ़ा दो, क्या मैं कर सकती हूँ? अगर मैं क्लास फाइव में हूँ तो नहीं कर सकती, तो फिर तब मैं उदास होकर नहीं बैठूंगी, तब मैं ये भी तो देखूंगी ना कि क्या वो रियलिस्टिक है भी या नहीं. तो आप क्लास फोर में हो अगर, तो आप क्लास थ्री तक के बच्चे का या फोर में भी हेल्प कर सकते हो, आपको अगर वो चीज समझ आ गई. उससे बड़े की तो नहीं कर सकते ना. तो गोल सेटिंग हमें ये भी बताती है कि जो हम ड्रीम पूरा करना चाहते हैं क्या वो रियल है भी या नहीं. तो तरीका है गोल सेटिंग का, मैं सिर्फ सोच नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मुझे तो 95% मार्क्स चाहिए, क्या मेरे बोलने से आ जाएंगे? नहीं. बट अगर मैं कहूँ कि मुझे 95% मार्क्स लाने के लिए हर रोज एक घंटा एक सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डे पे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है अपार्ट फ्रॉम माई स्कूल टाइम एंड ट्यूशन टाइम, तो मैंने अपने आप को क्लैरिटी दी ना कि मुझे रोज 1 आवर सेल्फ स्टडी करनी है और मैं हर रोज एक एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी. तो अगर मेरे 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे पास 6 days ऑफ द वीक है ना, तो मैं वो 6 subjects कर सकती हूँ कवर. तो मेरी पॉसिबिलिटी है 95% आने की या नहीं है? है. बट अगर सिर्फ मैं बोलूँ मुझे 95% लाना है, तो क्या आ जाएगी? नहीं आएगी. तो गोल सेटिंग में जो आप ड्रीम स्टेटमेंट है ना, उसको भी आप एक्शन तरीके से लिखते हैं. आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू टू मेक इट मोर क्लियर. अभी एक एग्जांपल जैसे मैंने शेयर किया, देयर इज वन मोर दैट आई विल शेयर. फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट से कि मुझे एक एविड रीडर बनना है, क्या मेरे बोलने से मैं रीडर बन जाऊंगी, मैं मेरी रीडिंग अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी. बट अगर मैं अपने आप को देखूं कि मुझे, इट शुड एक्चुअली बी 31 January, सॉरी आई रोट डिसम्बर बाय मिस्टेक, 31 January 2022 तक मुझे 10 pages रीड करने हैं 1 घंटे में. और मैं कैसे शुरू कर रही हूँ, मैं रोज 2 पेज पढ़ूंगी 15 मिनट के लिए, फिर अगले 5 दिन के बाद मैं 3 पेज पढ़ूंगी, 20 मिनट्स का टाइम दूंगी अपने आप को, फिर 5 दिन के बाद मैं 4 पेज पढ़ूंगी और मैं अपने आप को 25 मिनट्स दूंगी. तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे 1 महीने के बाद, यानी 31 January पर अगर मैं देखूं, तो मैं आराम से 10 pages 60 मिनट्स में रीड कर पाऊंगी. अगर मैं ऐसे चलूं रोज थोड़े दिन बाद या 4-5 days बाद मैं 1 page और 5 मिनट्स बढ़ा दूं टाइम, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? शो मी अ थम्स अप कि मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊंगी या नहीं 10 pages 60 मिनट्स में रीड करने का.
कर पाऊंगी ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को क्लियरली बताया कि मुझे इतने टाइम में क्या करना है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ वाइल। ओके फाइन। तो या तो इट मींस कि वन मंथ के टाइम में अब मुझे पता है कि अगर मैं स्लोली नंबर ऑफ पेजेस और टाइम बढ़ाऊंगी तो मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगी। तो आपको क्लैरिटी कौन से गोल से मिल रही है कि आपको क्या करना है और क्या अचीव करना है, गोल वन से मिल रही है या गोल टू से? प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट। गोल वन से आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या अचीव करना है या गोल टू से समझ आ रहा है कि आप कितने पेजेस कितनी देर में पढ़ पाओ, कब तक, किस में आपको क्लैरिटी मिल रहा है? ओके लवी, लकी शोइंग मी टू फिंगर्स, सो मींस गोल टू। ऑलराइट यश, गोल वन ध्यान से देखो बेटा, उसमें सिर्फ एक लाइन है, उसमें एक्शन प्लान नहीं है। मनस्वी सेज गोल टू। ओके Can I see the answers coming in the chat? Okay. तो goal two में हमें clarity मिल रही है ना? तो अब goal one, goal two से कैसे अलग दिख रहा है आपको बताओ? Goal one है I want to be an avid reader. Goal two है कि 31 January तक मुझे 10 पेज रीड करने हैं 60 मिनट्स में, और मैं हर रोज 2 पेज से स्टार्ट करूंगी और मैं 15 मिनट दूंगी अपने आप को, फिर मैं धीरे धीरे अपना टाइम और नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाऊंगी। अब गोल टू से आपको क्या क्या पता चल रहा है कि आपको क्या क्या करना है? अन्वेषा मैम, हमें गोल वन बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें सिर्फ एवल रीडर बनना है, पर मैम गोल टू हम बता रहे हैं तो हम कैसे बन पाएंगे? राइट, कैसे बन पाएंगे, तो वो हमें एक्शन कैसे लेना है वो गाइड कर रहा है। राइट, गोल टू बता रहा है। राइट, तो जो ओके, कृष्णा आल्सो वांट्स टू शेयर समथिंग। यस कृष्णा। यस मैम, मैम अनिशा जैसा कह रही है मैम वैसा ही है मैम। राइट, तो गोल टू से हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे एक्शन लेना है रीडर बनने के लिए। तो जब हम अपना गोल लिखते हैं ना, तो हम इस क्लैरिटी के साथ लिखते हैं कि हमें सबसे पहले पता हो कि जब हमारा गोल फिनिश होगा तो हम कहाँ पर होंगे। तो मुझे पता है ना मेरा एप्पल फिनिश होगा, मुझे एंड पता है कि ये एंड होना चाहिए, मेरा एप्पल फिनिश होना चाहिए। राइट, उसके बाद आपको पता चल रहा है टाइम कि कब तक फिनिश होना चाहिए। राइट, और आप कैसे करोगे शुरू आपको पता चल रहा है, आप मेजर करोगे कि क्या मैं रोज इतना कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो गोल सेटिंग में हम इन इन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमारा गोल बहुत स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे इतने पेजेस इतनी देर में रीड करने हैं इतने टाइम तक, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे ये अचीव करना है। तो इसको मैं बोलती हूँ स्मार्ट टेक्निक में हम गोल सेट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट है स्पेसिफिक, क्लियर होना कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक, ओके, तो वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है मेजरेबल। अब आपने लिख तो लिया, आपने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, अब आप कैसे देखोगे कि आप ठीक से चल रहे हो या नहीं? अब लेट्स से अगर मेरा एम था वेट लूज करना, ठीक है, कि मुझे 1 month में 3 kgs रिड्यूस करना है, तो मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही? तो 1 month यानी 30 days, तो यानी, और 3 kgs यानी कि मुझे 10 days में 1 kg रिड्यूस करना पड़ेगा। राइट, फिर अगले 10 days में 1 kg, फिर अगले 10 days में 1 kg, विट मीन्स तभी मेरा 3 kgs रिड्यूस होगा 1 month में। तो मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ कि मेरा 1 month में 10 days में 3 kgs रिड्यूस हुआ है या नहीं, कैसे कर सकती हूँ मैं मेजर? हाउ कैन आई मेजर, सोचो क्या कर सकती हूँ मैं? हुज़ैरा? Yes, ma'am. कैसे मेजर करोगे कि आपका रिड्यूस हुआ है 1 kg 10 days में या नहीं, वेट कैसे देखोगे? मैम हम वेट मशीन से देखेंगे। हम वेट मशीन पे देखेंगे, यानी सॉरी जस्ट कम अप अगेन जरा। मैम हमें एक एग्जांपल शो करना है। एग्जांपल ऑफ व्हाट?
मैम सक्सेस के लिए मैम जो हमारे ड्रीम है मैम उसे कैसे पूरा करना है? ओके गिव मी अ मिनट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दिस देन यू शेयर ओके ओके मैम या सो डेफिनेटली हम अपना वेट मेजर करेंगे है ना हर 10 डेज में हम वेइंग स्केल पे खड़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम सही चल रहे हैं नहीं हम अपना 1 kg रिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे अब लेट से हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं यानी कि जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं जो हम एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं वो ठीक है हम सही जा रहे हैं बट लेट से अगर नहीं कम हुआ तो फिर आप देख सकते हो ना कि आप जो डाइट ले रहे हो वो ठीक है या नहीं जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो ठीक है या नहीं आप कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हो वो सफिशियंट है या नहीं यस और नो तो हमारा जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए मैं मेजर कर पाऊं कि मैं उसे अचीव कर रही हूँ या नहीं ऐसे ही रीडिंग का जो गोल है मेरा वो क्या था कि मैं 5 days के लिए 2 pages रीड करूंगी 15 minutes में फिर मैं नेक्स्ट 5 days पे जब आऊंगी तो मैं दोबारा से देखूंगी ना कि मैं 3 pages 20 minutes में रीड करी हूँ या नहीं तो मैं हर रोज अगर करूंगी तो मैं अपने पास टिक लगा सकती हूँ यस और नो कि आज मैंने हाँ रीड करा आज मैंने रीड करा कल मैंने रीड किया तो मैंने टिक कर दिया जिस दिन रीड नहीं किया उस दिन मैंने क्रॉस लगा दिया तो मैं मैंने मेजर किया ना कि मैं स्टिक टू कर रही हूँ अपने प्लान को या नहीं कर रही राइट तो ये होता है मेजर करने का तरीका कि आप अपने प्लान को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं अगर कर रहे हो तो वो पूरा उसी तरीके से आगे चल रहा है या नहीं नहीं चल रहा तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है फिर आप वो प्रॉब्लम ढूंढते हो ताकि आप उसको रेक्टिफाई कर सको और फिर से आगे बढ़ सको उसके बाद होता है अचीव अब मैंने गोल तो सेट कर दिया क्या ये अचीव हो भी सकता है अगर मतलब 10 pages इन 60 minutes तो मैं रीड कर सकती हूँ अगर मैं कहूँ 100 pages इन 60 minutes मैंने रीड करना क्या पॉसिबल है ये पॉसिबल गिव मी थम्स डाउन अगर पॉसिबल नहीं है तो गिव मी थम्स अप अगर पॉसिबल है तो कम ऑन 100 pages 1 hour यानी 60 minutes में रीड करना क्या पॉसिबल है क्या पूरा कर पाओगे Show me thumbs up for yes and thumbs down for no. Okay, Huzaira gives me a thumbs down. Krisha, आप कर पाओगे 100 pages 1 hour में? सोचो 100 pages बेटा 100 words नहीं कह रही मैं. Anvesha says no. Okay, Harshit says no. Lucky says no. Manasvi says no. Right. तो हम ये नहीं कर पाएंगे. तो जब हम गोल सेट करते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि वो अचीव हो भी सकता है या नहीं अगर मैं कुछ अनरियलिस्टिक ही सेट कर दूंगी तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं मोटिवेट कैसे होंगी एक्शन लेने के लिए फिर तो मैं घबरा जाऊंगी जो चीज हो ही नहीं सकती ओके देन आफ्टर दैट कम्स कि वो गोल जो है आपको क्यों अचीव करना है वो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसकी रेलिवेंस क्या है फॉर एग्जाम्पल अन्वेषा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है किसी का हेल्प करना और उसको उसके फेस पे स्माइल लाना क्यों इम्पोर्टेंट है और हुज़ैरा का IAS ऑफिसर बनना क्यों इम्पोर्टेंट है मनस्वी का IPS मनस्वी ऑल्सो वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर राइट आई डोंट रिमेम्बर विच वन या आईफिल टॉवर देखने जाना क्यों इम्पोर्टेंट है तो रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो आपका गोल है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एविड रीडर बनना है मुझे इतना रीड करना है वो मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एक वो मेरी लैंग्वेज को सुधारने में हेल्प करेगा दूसरा वो मेरी वोकैबुलरी बढ़ाएगा तीसरा वो मेरी पर्सपेक्टिव को वाइडन करेगा तो आई नो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी तो जब मुझे पता होगा कि मेरा गोल मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं तभी उसको अचीव करना चाहूंगी अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों कुछ करना चाहती हूँ और मैं को सिर्फ मेरे मम्मी ने बोल दिया करना है और मैं करने बैठ जाऊं तो मैं नहीं करूंगी क्यों क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मेरे लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है ओके तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कोई चीज क्यों अचीव करना चाहते हो और लास्ट होता है टाइम आउट अगर मैं सोचू सिर्फ कि मुझे रीडिंग करनी है तो मैं कभी नहीं करूंगी पर अगर मैं अपने आप को टाइम दूंगी कि इतनी देर में मुझे इतना काम करना है और मुझे 31 January तक ये अचीव कर लेना है प्लीज गिव मी अ मिनट Okay, so yeah, so did we get this? Time bound का मतलब समझ आया कि हम अपने आप को time देते हैं
ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता, टाइम होता है कि अब लेट्स से अगर मुझे हेल्प करनी है किसी की, तो आज से मैं शुरू करूंगी, तो टुडे आई विल हेल्प टू पीपल। तो मैंने अपने आपको टाइम दिया ना कि आज के दिन में मुझे दो लोगों की हेल्प करनी है, तो मैं उसे टाल नहीं सकती फिर, ठीक है। तो आप अपने आपको टाइम देते हो कि जैसे जैसे आपकी मम्मा आपको बोलती है कि 1 आवर में अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लो, तो उन्होंने टाइम दिया। अगर वो कहीं सिर्फ होमवर्क फिनिश कर लो, आप बैठोगे, आप पूरा दिन होमवर्क ही करते रहोगे, है ना। तो ये होता है टाइम बाउंड, कि आप टाइम सेट करते हो अपने लिए कि मुझे ये काम इतनी देर में फिनिश कर देना है। तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट टेक्निक ऑफ गोल सेटिंग। तो स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आप मेजर कर पाओ उसे कि आप ट्रैक पर हो या नहीं, अचीव हो सकता है या नहीं, आर फॉर रेलेवेंट कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट टाइम बाउंड कि आप कब तक उसे फिनिश करते हैं। तो जब हम गोल सेटिंग लिखते हैं अपने पास, सबसे पहले हम अपना गोल लिखते हैं जिसमें हम क्लियरली लिखते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं और हम कैसे करेंगे। इसमें ये 3 questions का हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है कि ये गोल आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है आपके लिए अचीव करना। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप इस गोल को अचीव करोगे तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करोगे, आप एक्साइटेड होगे, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करोगे, अचीवर वाला फीलिंग आएगा, कैसा लगेगा आपको, ओके। आप यहाँ पर वो लिखते हो। फिर हम अपने पास गोल सेटिंग का टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपने बिग गोल को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा गोल सेटिंग था रीड करना, तो मैंने स्मॉल गोल क्या बनाया पहला कि मैं आज से 2 pages रीड करूंगी 15 मिनट के लिए 6 o'clock इन द इवनिंग से 6:15 PM तक, ठीक है। मैं ये मेरा स्मॉल गोल हो गया। फिर मैं लिख रही हूँ डेट ऑफ बिगिन, मैं कब शुरू कर रही हूँ, मैं आज से शुरू कर रही हूँ, तो यानी 27 December की मैं डेट डाल रही हूँ। और मैं 5 days अपने आप को दे रही हूँ, तो ये मुझे कब तक करना है रीड 2 pages हर रोज 6 o'clock से 6:15 तक, 5 days के अकॉर्डिंग 27, 28, 29, 30, 31। तो एंड डेट है 31 January। अब 31 January को आप देखोगे कि आपने कितने पेजेस पढ़ लिए हो, 5 days में 10 pages पढ़ लिए होंगे, 1 day में 2 pages पढ़ रहे हो, तो 5 into 2, 10, 10 pages पढ़ लिए हो। अब आप जब 31 January को देखोगे कि आप बुक के 10 pages पढ़ चुके हो, तो आप अपने आप को टिक दे सकते हो यहाँ पे कि आपने अचीव कर लिया। और अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हो कि आप क्यों नहीं कर पाए। लेट्स से न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन आ गया है ना, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके 2 pages हैं, तो अब आप 1 January से 1 page एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो क्योंकि आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे, तो 3 की जगह आप उसको 4 page कर सकते हो, यस और नो। तो हम यहाँ स्मॉल सब गोल्स लिखते जाते हैं अपने लिए, और अगर हम नहीं अचीव कर पाए तो रीजन देखते हैं, उस रीजन पे वर्कआउट करते हैं और फिर दोबारा से प्रोसेस पे आ जाते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि हम ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या कोई डिफिकल्टी आ रही है तो क्या आ रही है, और ये भी पता चल जाएगा कि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल है भी या नहीं है, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। If you have any doubts, please raise your hand, because from my end, I have explained you what the technique is, and you can then refer to your book again and read it. I'll tell you the page numbers where you can read and refer. So you have to read page 48 and 49. It talks about SMART technique of goal setting, and you have to do the page. Do page 50. Page 50 आपकी एक वर्कशीट है गोल सेटिंग के ऊपर, जिसमें आप अपना गोल लिखोगे, उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करोगे और अपने लिए ड्रीम लिखोगे। सो इट टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो जस्ट राइट इट फॉर योरसेल्फ कि आप अपना गोल जो अचीव करना चाहते हो उसमें याद रखना आपने 3 चीजें डालनी है, कब तक अचीव करोगे, क्या अचीव करोगे, सबसे पहले क्या अचीव करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो ये लाइन आप सेंटर में लिखोगे अपने गोल, जहां पे लिखा है माय गोल फॉर ईयर 2020
2021 which phases over, so 22 bhi aa sakta hai. To बहुत दूर का मत देखो, अभी छोटा सा गोल देखो. ये भी हो सकता है कि लेट्स से मुझे अपनी हैंडराइटिंग पे इम्प्रूव करना है, ये भी आपका गोल है. आपको अपनी वोकैबुलरी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, ये भी आपका गोल हो सकता है. आपको अपना स्केड्यूल बनाना है, प्ले स्केड्यूल हो जिसमें रोज 1 आवर का, वो भी हो सकता है. कि आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीखना चाहते हो, वो भी आपका गोल सेटिंग हो सकता है. तो कोई छोटा गोल सोचो जो आप अभी अचीव कर सको, और धीरे धीरे फिर आप बड़े पे जाओ. ठीक है, तो वो छोटा गोल भी जो आप सोचो, वो ऐसा सोचो जिसको आप फर्दर छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सको. ओके, क्लियर? सो मेक समथिंग दैट्स पॉसिबल. यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, गो बैकवर्ड्स एंड सी कि वहां सबसे पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए. स्टार्ट फ्रॉम देयर. उस फर्स्ट स्टेप के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ. फिर जब वो फर्स्ट स्टेप आपका बड़ा वाला अचीव हो जाएगा, फिर आप सेकंड बड़े पे जाओ. दैट इज हाउ यू सेट द गोल फॉर योरसेल्फ. ओके, सो आई एम थ्रू. इफ यू वांट टू शेयर और आस्क समथिंग, प्लीज फील फ्री टू टॉक एंड आस्क. एंड हुज़ैरा वांटेड टू आस्क समथिंग, नो टेल समथिंग राधा. यस हुज़ैरा. मैम हमें एक एग्जांपल दिखाना था. या श्योर मैम. जैसे कि मैम हमें बनना है मैम आईएएस ऑफिसर, सो मैम उसके लिए मैम हमें ये 3 चीजें करनी होगी, स्टडीज एंड अपनी हेल्थ को एकदम फिजिकली फिट करना होगा और हार्ड वर्क करना होगा. सो मैम हमने इसे सक्सेस के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, SUC, CE एंड SS. मैम सो मैम हमने यहाँ पे स्टेयर्स बनाई है कि मैम हम धीरे धीरे मैम इन्हें अचीव करते जाए. मैम जैसे हम इन स्टेयर्स पे धीरे धीरे चढ़ते गए, सो मैम हमें हमारा फर्स्ट लेटर मिल गया, यानी मैम हमारा फर्स्ट चीज मिल गई मैम स्टडीज, हमने उसे अच्छे से अचीव कर लिया. सो मैम हम और आगे गए एंड मैम हम इस सीई वर्ल्ड मिला. सो मैम उससे मैम हमें मिला फिजिकली फिट, की मैम हमने हमारी हेल्थ को एकदम फिजिकली फिट रखा. फिर हमें डबल एस मिला, सो मैम इसका मीनिंग है मैम हमें हार्ड वर्क मिल गया. सो मैम इन सबको मिलाकर सो मैम हमें लास्ट में मिला सक्सेस. Now, one thing, Uzaira, when I say studies, it's very vague in itself. ठीक है? क्यों वेग? सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, राइट, उसकी पढ़ाई होती क्या है, है ना, क्या पढ़ाई करनी होती है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो नोइंग होएगा, नॉलेज होएगा कि मुझे किस चीज की पढ़ाई करने की जरूरत है. यस और नो? है ना? तो जो स्टडीज है ना, अभी उसको आप और ब्रेक डाउन कर सकते हो. आई डोंट बिलोंग टू दैट फील्ड, सो आई कांट आंसर यू मच अबाउट इट, एंड दैट वाज नेवर माय ड्रीम आल्सो. तो मैंने कभी एक्शन भी नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई नेवर वांटेड टू बिकम वन. तो अब आपका क्या है, लाइक यू वांट टू बिकम वन, तो अब आपके पास तो देखो इंटरनेट का सोर्स है, तो आप उसको यूटिलाइज करके ढूंढ सकते हो कि अगर मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो किस किस चीज की करनी है. मैम बट जो मैम पढ़ाई हमें करनी है IAS ऑफिसर के लिए, सो मैम वो हम बड़े होके करेंगे. एंड मैम बड़े होने के लिए मैम हमें नहीं पता कि हमारे उस IAS ऑफिसर के एग्जाम के लिए क्या क्या आएगा, क्योंकि मैम हमें हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है. सो मैम अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे कि मैम हमारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, सो मैम हमें पहले उसे इम्प्रूव करना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट. तो मैथमेटिक्स में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप इसको एज अ गोल सेट करो कि मैं कैसे मैथमेटिक्स में अच्छी बन सकती हूँ. उसको ब्रेक डाउन करो, देखो किस चीज की जरूरत है, आपको क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो प्रैक्टिस करोगे तो कितनी देर रोज करोगे, किस टाइम पर बैठ के करोगे, कौन से मैम हमने गोल करा है कि मैम हम 6:00 से लेकर 7:00 तक अब अपनी स्टडीज पे ध्यान देंगे. मैथमेटिक्स दैट इज नॉट स्टडी, ओनली मैथमेटिक्स, क्योंकि आप एक चीज पे काम कर रहे हो, है ना. तो उसको आप एक टाइम दोगे, राइट, सिर्फ उसी को देखोगे कैसे, आपको क्या कोई टीचर की हेल्प चाहिए या आपको अलग अलग बुक्स चाहिए. तो लेट्स से मैंने 3 बुक्स ली, ठीक है, तो मैंने एक दिन एक बुक करी, सेकंड डे के लिए मैंने सेकंड बुक रखी, थर्ड डे के लिए मैंने थर्ड बुक रखी, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, लाइक एडिशन के ऊपर मैंने एक दिन. अगर मैम एक काम, मैम अगर हम ऐसे करेंगे कि मैम हम सारी चीजें एक साथ ही करने बैठ जाएंगे, सो मैम हमारे माइंड को ना कुछ समझ में नहीं आएगा और वो कंफ्यूज होगा. Absolutely. तभी हम उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तभी हम एक ही दिन में सारी बुक्स लेके नहीं बैठ रहे.
हम एक बुक से कर रहे हैं ना आज, कि हमें उसके क्वेश्चन समझ आ जाए। मैम जैसे हम मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो गए अब, सो मैम हम अब अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे कि हमें और किस चीज में होना है। व्हाई नॉट, और आप एक से ज्यादा पर भी काम कर सकते हो जरा। लेट्स से अब रोज मैथमेटिक्स में ऐसा तो नहीं है ना कि मैम बहुत कुछ कराती है ना, वन कॉन्सेप्ट ही कराती है तो। और क्लास अगर आपकी हो सकता है रोज ना हो रही हो, लेट्स से ऑल्टरनेट डे पे होती है, एक दिन मैथ्स होती है एक दिन नहीं होती, लेट्स कंसिडर। तो यानी आप जिस दिन नहीं होती मैथ्स उस दिन आप कुछ और भी तो वहां पे डाल सकते हो ना, यू कैन हैव सेकंड गोल आल्सो। मैम हम सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं मैम मैथमेटिक्स का, मैम उस दिन हम टेस्ट बना सकते हैं अपने लिए, या आप अपनी लैंग्वेज पे इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन हैव गोल्स रनिंग साइड बाय साइड। गोल में कभी ये नहीं होता कि वन ही हूँ। देखो हमारी लाइफ को सिर्फ एक चीज पे तो नहीं चलती ना, आई हैव मुझे कुछ पर्सनल नॉलेज चाहिए, या उसके अलावा आई एम ऑल्सो अ सिस्टर, आई एम ऑल्सो अ डॉटर, तो मुझे अपने रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसलिए हमारे हर एरिया के गोल्स हो सकते हैं, तो हमें हर चीज को अलग अलग तरीके से टाइम देना होता है बस, और हर चीज को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना होता है। ओके सो एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? हर्षित यू वांट टू आस्क समथिंग और से समथिंग? नो मैम। आर यू क्लियर? यस मैम क्लियर। राइट, तो आप ये स्मार्ट टेक्निक अपने बुक में पढ़िएगा, पेज 48 एंड 49 इट्स देयर, और अपने लिए एक गोल सेट करने की कोशिश करिएगा। छोटा गोल रखिए जो जहां आपको लगता है ना आपका स्ट्रगल है, जो जिसे आप अचीव करना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम देयर और देखो कैसे वो चीज इंप्रूव हो सकता है। ओके सो विद दिस वी वाइंड अप विद टुडेस सेशन, हैव अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय योर डे। बाय गाइस, बाय बाय।